तो आज हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इससे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसका रे डायग्राम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ना रे डायग्राम, मतलब कि आता ही है बनाने के लिए, कभी कभी तो डायरेक्टली सिर्फ रे डायग्राम ही बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए रे डायग्राम इसका अच्छा से प्रैक्टिस करना है। और न्यूमेरिकल भी आता है, पिछले बार एक न्यूमेरिकल सैंपल पेपर में दिया होता सीबीएसई का, और ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया था न्यूमेरिकल इसके ऊपर मतलब, लेकिन हाँ इस बार आ सकता है, इस बार आने का चांसेस है। और न्यूमेरिकल में थोड़ा मतलब ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें थोड़ा मतलब दम रहता है, मतलब तुमको तुमसे वो न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब तुम साइन कन्वेंशन ये सबका समझ रखती हो तब। जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे पढ़े थे वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और तुमको पता है कि माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? बताओ माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, बोलो। माइक्रोस्कोप का काम होता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बने तो ये इमेज का साइज को क्या करता है, ये मैग्निफाई। अगर इमेज का साइज को मैग्निफाई करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, इमेज का साइज को मैग्निफाई करने के लिए। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे जो इमेज बनेगा वो इमेज का साइज मैग्निफाइड होना चाहिए, ठीक। और कौन सा मैग्निफिकेशन का बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं तुम बताओ, ये शिखा, किस मैग्निफिकेशन का बात करेंगे हम लोग यहां पर, बोलो। मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है ना, एक लेंस का होता है एक मिरर का होता है, कौन सा मैग्निफिकेशन? लेंस का मैग्निफिकेशन, लेकिन उसका कुछ अलग कुछ तो है उसमें ना अलग, उसका मैग्निफिकेशन उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं और उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। जो सिंपल जो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं एच आई बाई एच ओ और माइनस वी बाई ओ वो सब नहीं, किसका बात करेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, है? बीटा अल्फा बाय बीटा की बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, क्योंकि बीटा यहां पर किसका एंगल होता है, कौन बनाता है बीटा एंगल? इमेज का। और अल्फा किसका एंगल होता है? ऑब्जेक्ट का। एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज अपॉन एंगल सब्सटेंडेड बाय, ये अल्फा का मतलब एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस मैग्निफिकेशन से ही हम लोग अभी एक एक्सप्रेशन निकालेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब हम लोग सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी डायग्राम बनाएंगे, है ना, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और उसके बाद फिर हम लोग इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का यूज करके क्या निकालेंगे, इसका मैग्निफिकेशन कितना आता है, मैग्निफिकेशन वो एक बार हम लिख दे रहे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन ये आता है, एम इज इक्वल्स टू एमओ, एम इज इक्वल्स टू एमओ इंटू एम ई, एम इज इक्वल्स टू एमओ इंटू एम ई। यहां पर एमओ का मतलब क्या है, एमओ का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एम ई का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। दो लेंसेज होगा यहां पर, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो लेंसेज होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस लेंस। तो दोनों का मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाता है, नेट मैग्निफिकेशन। और वो नेट मैग्निफिकेशन किसका होता है, पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आया समझ में? यानी कि यहां पर कितना लेंस होगा, दो, एक छोटू लेंस होगा एक बड़ा लेंस होगा। चलो उसको बनाते हैं, उसका रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? देखो इस फॉर्मूला को डराइव करना है, मतलब ये मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और ये आएगा कैसे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको डराइव करेंगे। मतलब ये बीटा अल्फा देख रही हो, बीटा अल्फा तुम बताओ कहां से निकालती हो, ये जो बीटा और अल्फा है उनका वैल्यूज कहां से निकालती हो, दोनों वैल्यूज रे डायग्राम से, है ना। जो रे डायग्राम बनाती हो, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग रे डायग्राम निकाले थे, बनाए थे, उसके बाद बीटा और अल्फा का वैल्यूज निकाले थे, फिर उसको पुट किए थे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आया था, ठीक वैसे ही कंपाउंड का भी निकालेंगे, तो उसके लिए बीटा और अल्फा पता होना चाहिए तो काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से अल्फा हमको पहले से ही नहीं पता है, अल्फा तो पहले से ही पता है ना, बोलो, अल्फा तो पहले से ही पता है, क्या होगा अल्फा बताओ? यहां पर रहता है ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या रहता है मेरा, खूबसूरत आंख, यहां पर मेरा रहेगा खूबसूरत आंख, और इससे यहां पर क्या बनेगा, यहां से हम देखेंगे इसको, और यहां पर एक एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक, अल्फा, और ये मेरा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कहां पर होगा मेरा आंख, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि डी पे, है ना। तो ये निकलेगा कैसे, ओ माय गॉड, तो अल्फा जब यहां से निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, एच ओ बाई डी। तो ये अल्फा तो हमको भाई लो अभी ही पता है,
हमको मेन निकालना क्या है, किसमें इंटरेस्टेड है, बीटा में। तो अब हम तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले पूरा रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, उसके बाद उसमें से तुमको क्या निकाल के दिखाएंगे, बीटा। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप का हो या टेलीस्कोप का हो, किसी का भी रे डायग्राम हो, उसमें अल्फा कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। अल्फा हम लोगों को पता है भाई कि वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है, और अल्फा का वैल्यू हमेशा यही होगा एचओ बाई डी। एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से हम लोग देख रहे हैं। कितना होता है डी का वैल्यू, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अल्फा तो भाई अभी भी वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। चेंज कौन होगा, बीटा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और बड़ा इमेज बनेगा 1000 times। सुनो ये जो हम बोल रहे हैं, 1000 times मैग्निफाई कर लेते हैं इससे हम लोग इमेज, किसके हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से। यानी कि ये सिंपल से तो थोड़ा ज्यादा सही है, इसलिए इसमें हम लोग दो लेंस यूज करेंगे। चलो अब इसका हम रे डायग्राम बना रहे हैं, ये सब लिख लो जल्दी से, फिर हम इसका रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। हाँ ये सब बना लो और ये इसको लिख लो जल्दी से। और ये ध्यान रखना, ये जो एम दिख रहा है ना तुम लोग को, एम, ये एम का मतलब क्या है बोलो, इस एम का मतलब क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाँ, तो तुमको ना बोर्ड एग्जाम में वहां पर लिखा रहेगा क्या, ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद अ प्रॉपर रे डायग्राम, समझी, ऐसे लिखा रहेगा। तो मतलब समझ जाना भाई इस एम का बात कर रहा है, तो वहां पर घबराना नहीं एंगुलर मैग्निफिकेशन देख करके। देखो भाई इसका रे डायग्राम, सबसे पहले यहां पर मेरे पास कितना लेंस होगा, दो लेंस होगा, तो पहले हम दोनों लेंस बना लेते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, कंजूसी मत करना, थोड़ा लेंस बड़ा बड़ा बनाना। और ये है आईपीस लेंस, ये है, चलो हम थोड़ा उस तरफ बनाते हैं, ठीक है, वेट गाइज थोड़ा सा इस तरफ बनाते हैं इसको, क्योंकि रे डायग्राम इसका बड़ा खूंखार होगा। इस तरफ दिख रहा है तुम लोग को, हाँ दिख तो रहा है, इस तरफ दिख रहा है ना तुम लोग को, हाँ बोलो। ये मेरा है लेंस और ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, और यहां पर हम ले रहे हैं आईपीस लेंस। हाँ आईपीस लेंस थोड़ा बड़ा बनाना भाई, मेरे जैसा थोड़ा दिल पे मत लेना, थोड़ा लेकिन बड़ा बनाना। यहां पर क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। उसके बाद, उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, फोकस किसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा फोकल लेंथ कि इसका बड़ा होगा फोकल लेंथ, दोनों में से फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा, हाँ आईपीस का बड़ा होगा, क्योंकि आईपीस लेंस बड़ा है, आईपीस लेंस, इसको इसको हम लोग बोल रहे हैं आईपीस लेंस, और इसका फोकल लेंथ बड़ा है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। यहां पर हम लोग किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, यहां पर किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को चलो हम बोल रहे हैं ए बी, है ना, ए बी बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगा पहले, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकला, यहां पर टकराएगा, और यहां पर क्या होगा, फोकस, ये फोकस किसका होगा, इसका कि इसका, तो सर इसका, इसको क्या लिखेंगे, एफओ, एफओ का मतलब, एफओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, एफओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जरा तुम लोग ये सोच के बताओ, अब जरा तुम लोग ये सोच के बताओ, इसको हम कहां रखें ऑब्जेक्ट को, क्या इस ऑब्जेक्ट को हम इसका जो एक और फोकस है उस पर रखे हैं, या फिर कुछ दूर रखे हैं उससे, इसका एक और फोकस होगा ना यहां पर, इसका सोच के बताओ, पता है क्या, नहीं फोकस पे नहीं है, बियॉन्ड फोकस है, इस लेंस का दो फोकस होगा, एक ये और दूसरा ये, ये जो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं इस फोकस के पीछे रखे हैं, बियॉन्ड फोकस। अब बियॉन्ड फोकस में होता है ना खतरनाक वाला केस, क्या मतलब बियॉन्ड फोकस में क्या, यहां पर एक इमेज बनता है ना रियल एंड इन्वर्टेड, पढ़ी है ना तुम लोग ये वाला, रियल एंड इन्वर्टेड एक बनेगा इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट से, यहां पर एक पहले रे कहां से पास करेगा, फोकस से, दूसरा रे कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, और यहां पर क्या बनेगा, इमेज, दूसरा रे पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, और यहां पर क्या बन गया, इमेज, यहां पर बना इमेज, और ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश, नाम लिए ए डैश बी डैश, तुम कुछ भी लिख सकते हो। ये होगा मेरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको क्या बोलोगी, इसको बोलोगी यूओ, यूओ मतलब, यूओ मतलब ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको क्या बोलोगी, यूओ का मतलब फोकल, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट यहां पर है और वही डिस्टेंस क्या है, यूओ।
तुम लोगों को समझ में आ रहा है? शिखा, खुशबू, कहीं पर डाउट हो तो पूछो, बताएंगे। कहीं आ रहा है ना? ठीक, यहां पर बना है इमेज, तो इसको इमेज, इस इमेज डिस्टेंस को हम वीओ बोल दें। वीओ का मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है उसको बोल रहे व्यू। बिल्कुल टेंशन मतलब पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से समझ लो, फिर उस पे जो क्वेश्चन आता है ना बोर्ड एग्जाम में, इस रे डायग्राम और डेरिवेशन को छोड़ के उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद देखो, अब ये जो देख रही हो, ये मेरा इमेज, ये इमेज बड़ा खतरनाक है। इस इमेज से ये इमेज अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। किसके लिए? ये इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा इस वाले लेंस के लिए, और इस इमेज से एक और इमेज प्रोड्यूस होगा। दोबारा फिर से एक बार देखो, ये ऑब्जेक्ट से बना ये इमेज, अब ये जो इमेज बना है ये किसके जैसा बिहेव करेगा? किसके जैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसा। और इससे क्या बनने वाला है अब? इमेज किस लेंस के हेल्प से? इस वाले लेंस के हेल्प से, ठीक? हाँ, तो इस आईपीस लेंस का भी तो फोकल लेंथ होगा। तो मान लेते हैं आईपीस लेंस का एक फोकल लेंथ यहां पर एफ ई है। एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यहां पर इस एफ ई का एक और फोकल लेंथ यहां पर ले लेते हैं, चलो एफ ई, ठीक। अब देखो बड़ा गजब केस, एफ ई समझ रही हो, इसका फोकल लेंथ, और ये भी इसी लेंथ का। एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब ये बड़ा गजब केस है। कौन सा बड़ा गजब केस? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जब भी ऑब्जेक्ट को रखती हो तो इमेज कैसा बनता है, बताओ? बोलो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जब रखती हो इमेज को, गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज का बनता है। ये तो बड़ा फेमस केस है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगी जब भी ऑब्जेक्ट को तो एक बहुत बड़ा इमेज बनेगा वर्चुअल, और इसके कहां बनेगा? इसके जस्ट पीछे बनेगा। तो अब सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट निकलेगा और कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। और दूसरा एक और रे ऑफ लाइट निकलेगा, वो कहां से पास करेगा? फोकस से। तो चलो करते हैं भाई हम लोग, पहले एक रे ऑफ लाइट हम लोग पास किए कहां से? इसका ऑप्टिकल सेंटर से, एज इट इज चल जाएगा, है ना। दूसरा रे ऑफ लाइट लेके आएंगे, ये यहां पर रिफ्रैक्शन करेगा और कहां से पास करेगा? इससे, ठीक। खुशबू समझ में आ रहा है? खुशबू, नीतू, तुम लोग को समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। देखो भाई, इसको मीट करवाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? चलो दूसरा एक कलर लेते हैं ताकि तुमको क्लियर दिखे एकदम। ये लो, मीट तो हो गया, मीट यहां पर किया है, ठीक। अब यहां पर मेरा क्या बनेगा, बोलो? यहां पर मेरा क्या बनेगा? इमेज। और कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, क्योंकि रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट, हम लोग जबरदस्ती मिला रहे हैं रेस को, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। और इस इमेज का नाम हम लोग क्या देंगे? क्या देंगे इमेज का नाम? a"-b"-, क्योंकि यहां पर a"-b"- ले चुके थे ना, तो इसको बोलेंगे a"-b"-, ठीक। इमेज थोड़ा सा मेरा ऐसे हम बना लिए, तुम लोग सीधा कर लेना भाई इसको, थोड़ा हम इस तरफ कर दिए इसको, तुम लोग सीधा कर लेना। देखो हम बड़ा यहां पर कुछ कुछ चीज ध्यान देके बनाए हैं। क्या ध्यान देके? इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनाए हैं इमेज, आगे मत बना दोगे गलत हो जाएगा डायग्राम। और ये देखो, ये वाला फोकस किसका है दोस्तों? ये फोकस किसका है? आईपीस लेंस का। तो इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख के तब बनाना, और तभी बनेगा ही, क्योंकि केसी वही है ना कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगी तभी ऐसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इन रेड हाईली एनलार्ज। अब थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं ना, नामकरण थोड़ा कर लेते हैं बस। ये रे सीधा नहीं जा रहा था, अब बस थोड़ा नाम दे देते हैं ये लोग को, और उसके बाद फिर क्या करेंगे इसका डेरिवेशन, ठीक। पहले तो भाई यहां ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को क्या बोलोगी? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक। और अच्छा एक बात बताओ खुशबू, सोच के बताना, यहां पर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हम इसी को क्यों बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं? अरे ये भी तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, तो इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। क्योंकि इमेज इस साइड फॉर्म है। नहीं, रीजन ये है ना, क्योंकि फोकस तो ये भी है आईपीस का और ये भी है, बट यूज कौन सा हुआ फोकस?
कौन सा यूज हुआ फोकस? ये वाला, इसीलिए इस फोकल लेंथ को हम लेके चलेंगे। हाँ हाँ, ये यूज हुआ इसलिए इसको लेके चलना। अब मान लो कोई इसको लेके चलता है तो उसका फोकस नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जब तुम मेजर करती हो तो फोकस नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव। हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो? इसमें अरे यहां पर कहां इसको मार्क किए हैं, ये वाले का कहां यूज किए हैं, जो यूज नहीं हुआ उसको कहां लिखे हैं? इसको बोल रही हो, इसका कहां को यूज हुआ? ये तो एज इट इज है। हम यूओ किसको लिखे हैं? इसको लिखे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखे हैं ना यूओ। नहीं समझी? हाँ अब हाँ, इसमें इस वाले लेंस में राइट साइड वाला लोगी, सही बात है, क्योंकि राइट साइड वाला यूज हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस मेजर करोगी उसको बोलोगी यूई। यूई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस लेंस। हाँ सब अभी नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे किसका क्या क्या नाम है, हो गया ये। अच्छा फाइनल इमेज ये बना है ना, फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज किससे बना है? आईपीस लेंस से। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? VE, और इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस लेंस। ये वाला VE, देखो ना, ये वाले ऑब्जेक्ट से कौन क्या बना? ये इमेज बना। हाँ। और इस लेंस के थ्रू बना है ना ये इमेज। हाँ। तो इसलिए इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? VE। जैसे यहां पर इसको बोली थी ना VO, VO क्यों बोली थी? क्योंकि ऑब्जेक्टिव से बना था। रे डायग्राम आया समझ में तुम लोग को? ठीक। और ये रेस कैसा है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रेस इंफिनिटी पे मीट नहीं करता, कभी मिलेगा नहीं ये लोग। ठीक है, और बाकी सब किसी नाम लिखने वाला जरूरत है क्या? समझ जाओगी ना। अच्छा एक और चीज समझ लो, वीओ प्लस यूओ, वीओ प्लस यूई, सॉरी वीओ प्लस यूई, ये दोनों का अगर तुम मॉड लोगी, ये दोनों का मॉड लोगी, वीओ प्लस यूई, देख रही हो ये वीओ और ये क्या है यूई, तो ये दोनों को जब जोड़ोगी तो तुमको मिल जाएगा L। अब ये L का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इन दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लिख लो इसको, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जरा एक बात बताओ कि यहां पर अल्फा, अल्फा तो पता है ना, अल्फा तो पहले ही पता है ना भाई, अल्फा कितना होगा बोलो? एच ओ बाई डी, ये तो पता ही है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन। ठीक, ये ऊपर वाला हम हटा रहे हैं। अब हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ना, ये वाला आएगा ड्राइव करके, एम इज इक्वल टू एमओ इन टू एम ई, उसको ड्राइव करना है। ठीक है, चलो अल्फा तो पता ही है, एक काम करते हैं हम लोग कि बीटा के बारे सोचते हैं। अब तुम लोग जरा सोच के बताओ, बीटा जो बनता है, बीटा वो किसके लिए स्टैंड करता है? बीटा जो बनता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? इमेज के लिए। कौन सा इमेज के लिए? कौन सा इमेज के लिए? फाइनल इमेज के लिए। फाइनल इमेज कौन सा है? ये वाला। तो इसके सामने बीटा कहां बनेगा? यहां पर। यानी कि बीटा कहां होगा? ये बीटा होगा है? बोलो तुम लोग, आए जी समझ में? ये बीटा होगा क्योंकि इस बीटा के सामने देखो ना ये इमेज बन रहा है। बीटा कौन सा एंगल होता है जो इमेज बनाता है? देखो इमेज, ये इमेज, इसके सामने एंगल क्या? बीटा। आया समझ में? ठीक। हाँ अल्फा दिखाने का जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले तुम लोग अब टैन बीटा निकालो। तो यहां से टैन बीटा कितना आएगा? टैन बीटा फॉर्मूला क्या होता है टैन का? टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें ये ट्राइंगल में, ये पूरे बड़े वाले में, लेकिन एक बात सुनो, हमको तो डेरिवेशन करना है क्या चीज का? मैग्निफिकेशन का। तो हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज नहीं करेंगे। देखो ये बीटा तो इसके लिए भी है ना भाई, और ये छोटू वाले के लिए भी तो बीटा है ना। तो मीटिंग चल तो रहा है। हाँ ये जो बीटा है ये छोटा वाला ट्राइंगल के लिए भी है, इस छोटे वाले के लिए भी है। तो यहां से क्या आएगा बीटा बताओ खुशबू? यहां से इस वाले से बीटा क्या आएगा बोलो? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई बेस। क्या है इसका बेस? ये है 90 के सामने पर, तो बेस ये है, तो बेस को क्या लिखोगे? यूई। हाँ यूई। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर टू। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यहां पर क्या है, किसके ऐसा बिहेव कर रहा है? हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकती हो ना, ए डैश बी डैश, ठीक। और ये तुमको पता है कि ये जो टैन बीटा जो है ये नियरली किसके इक्वल होगा, बीटा के। तो यानी बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी इसको हम क्या लिख दे रहे, बीटा ही है ना, हाँ ठीक ठीक बीटा तो इसे लिखा था। तो बीटा क्या आ जाएगा यहां से, ए डैश बी डैश बाई यू ई, इसको मानो इक्वेशन नंबर थ्री। लिखो यहां तक, अब तुम लोग एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ी हो पहले, मैग्निफिकेशन का, ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का। अरे ये स्मॉल एम के बारे पढ़े हैं ना हम लोग पहले लेंसेज में, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता था, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग, इसी का यूज करेंगे, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, इसका भी यूज होगा, अभी बता रहे कैसे यूज होगा। हम तुमको मान लो बोलते हैं एमओ निकालने के लिए, एमओ, एमओ समझ रही हो, एमओ का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, ये वाला, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा यहां से, देखो इसका पहले इमेज डिस्टेंस डालोगी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस कितना है, वीओ। ए आया तुम लोग को समझ में, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं इसलिए एमओ लिखे हैं, एमओ का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फॉर्मूला है वी बाई यू, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस क्या है, वीओ, तो यहां पर वी की जगह क्या लिख देंगे, वीओ। और यू का वैल्यू कितना है, यू कितना है, यूओ, तो यहां क्या लिखेंगे, यूओ। तो ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। अच्छा एक काम करते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, यहां पर एच आई बाई एच ओ भी तो होता है तो उसको भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एच आई कितना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना है उस लेंस का, ए डैश बी डैश, हाँ चलो इधर लिखते हैं, चलो यहां पर लिख रहे हैं मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू आया उधर से वीओ बाई यूओ, उसके बाद कितना, हाँ इसका हाइट, हाइट ऑफ इमेज ये वाला है, हाँ ए डैश बी डैश अपॉन और क्या है ये इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एचओ, तो एचओ कितना है, ए बी। तो ये मैग्निफिकेशन किसका आया, ऑब्जेक्टिव लेंस का, एमओ, एमओ का ये वैल्यू आया, ठीक। तो यहां से ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा बोलो, यहां से ए डैश बी डैश निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा, वीओ यूओ और ये ए बी, इस तरफ ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ए डैश बी डैश का, ये आया ए डैश बी डैश का वैल्यू, ठीक। वीओ बाई यूओ इंटू ए बी, वीओ बाई यूओ इंटू ए बी, ये ए डैश बी डैश का वैल्यू आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब ये इक्वेशन थ्री देख रही हो तुम लोग, बीटा, ये बीटा देख रही हो भाई। अच्छा ये सब क्यों किए हम लोग, इतना मेहनत ये सब क्यों किए, ये एमओ लिखे यहां पर, फिर एमओ को वीओ बाई यूओ, फिर वहां पर एमओ का फाइनल वैल्यूज लिखे, क्यों ये सब कर रहे हैं, ताकि हम क्या निकाल पाए, ए डैश बी डैश। अरे भाई बीटा जब निकालना था तो बीटा में ए डैश बी डैश बाई यू ही है ना, तो ये ए डैश बी डैश चाहिए ना, तो इसीलिए उतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो ए डैश बी डैश को आप कहां पुट कर दो, बीटा का, बीटा में पुट कर दो, तो ए डैश बी डैश को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा हटा दें। अच्छा मेरा क्वेश्चन था, हाँ पूछो, तो फाइनल इमेज का जरूरत पड़ेगा तो लेंगे। यहां पर देखो, अगर तुम यहां पर टैन बीटा निकालती और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेती, बड़ा वाला ट्राइंगल लेती, तब यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश होता, लेकिन डेरिवेशन उसी से हो जाएगा। मतलब देखो ये ड्राइव करना है ना, एम इज इक्वल टू एमओ इंटू एम, ये लेके आना है ना, तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला कौन सा, ये वाला, इस ट्राइंगल से ही मेरा काम हो जाएगा, तो इसी से काम हो जाएगा, तो फिर इतना झमेला में क्यों पड़े बड़े वाले को लेके, आए समझ में। तो हम छोटा वाला ट्राइंगल लिखे इसलिए ए डैश बी डैश निकाल रहे हैं, अगर बड़ा वाला लेते तो क्या निकालते, ए डबल डैश बी डबल डैश। ए तुम लोग आया समझ में, तो अब बीटा का वैल्यू डाल के देखते हैं, तो वहां से
बीटा इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश का वैल्यू वीओ बाई यूओ, वीओ बाई यूओ इंटू ए बी अपॉन यूई है नीचे में, तो क्या लिख देंगे यूई। अब यहां पर ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब ए बी ये वाला है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी का मतलब क्या है यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा वीओ बाई यूओ इंटू ये जाएगा नीचे, तो ए बी अपॉन यूई, ठीक है ए बी अपॉन यूई। और उसके बाद फिर यहां पर ए बी का वैल्यू क्या डाल देंगे हम, बीटा इक्वल्स टू वीओ बाई यूओ इंटू ए बी क्या है, ए बी ये है ना यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए बी को हम लिख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूई, ये आएगा बोलो बीटा ये निकल के आएगा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर ले चुके हैं ना, फाइव ले लेते हैं इसको, इक्वेशन फाइव ले लेते हैं ठीक। अब बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई एल्फा यही होता है ना मैग्निफिकेशन, बीटा बाई एल्फा, तो बीटा और एल्फा इसको डाल दो हो गया खत्म। तो बीटा कितना है, ये बीटा निकाले वीओ बाई यूओ इंटू एचओ बाई यूई अपॉन, एल्फा कितना है एल्फा एचओ बाई डी, तो एल्फा को डाल दो एचओ बाई डी, कुछ कट रहा है कुछ कट रहा है हाँ, एचओ से एचओ, एचओ से एचओ मर गया, तो यहां पर क्या मिलेगा बोलो क्या मिलेगा यहां पर वीओ बाई यूओ इंटू ये डी कहां जाएगा ऊपर जाएगा डी बाई यू ई, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, है? तुम लोगों को कुछ जाना पहचाना लग रहा है यहां पर, देखो ये डी बाई यूई किसका मैग्निफिकेशन होता था, डी बाई यूई जो है वो किसका मैग्निफिकेशन था, हाँ आई पीस लेंस का, गुड। और ये आई पीस लेंस को ही हम लोग क्या बोलते थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, आई पीस लेंस को ही बोलते थे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां पर ये तो भाई डी बाई यू ही आ गया ठीक। तो मैग्निफिकेशन फाइनली कितना आया मेरा यहां पर, मैग्निफिकेशन आया वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई यूई, और ये वीओ बाई यूओ, वीओ बाई यूओ यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे एमओ यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये डी बाई यूई किसका मैग्निफिकेशन होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो यानी कि इसके जगह क्या लिख देंगे हम एमई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ठीक। तो ये हो गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, आया समझ में, ए तुम लोग आया जी समझ में कि कहीं पर डाउट है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इस केसेस पे आते हैं ना, इसके ऊपर केसेस बनता है, दो केसेस होता है, एक केस वो जब मेरा जो व्यूअर है हम देख, अच्छा ये सब सारा हम देख कहां से रहे हैं, ये तो बात ही नहीं है भाई, देख कहां से रहे ये सारा, हम यहां पर बन रहा है ना इमेज, तो कहां से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं ठीक। अब हम दो दो जगह से देख सकते हैं, एक जब हम इस वाले लेंस के, अच्छा इसको आईपीस क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन यहां समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो लेंस है इस आंख के नजदीक है, इसीलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं आईपीस लेंस, क्यों, क्योंकि ये आंख के नजदीक है इसलिए इसको आईपीस लेंस बोलते हैं, और इसके सामने क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं ठीक है। अच्छा और क्या हम बोल रहे थे कि ये जो आंख है ना, यानी कि जो व्यूअर है जो देख रहा है आदमी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर कभी इस लेंस से डी पे रहेगा, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जर्वर कभी इस लेंस से डी पे रहेगा, डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, इससे कभी डी डिस्टेंस पे रहेगा इस लेंस से, कभी इस लेंस से बहुत दूर चल जाएगा, और बहुत दूर का मतलब फिजिक्स में क्या होता है इन्फिनिटी। तो दो केस बनेगा आईपीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, दो केस बनेगा, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है ना, डायरेक्टली वहां पर लिखता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले तुमको रे डायग्राम बनाने बोलेगा, हो सकता है ये जो मैग्निफिकेशन लाए हैं एमओ इनटू एमई इसका डेरिवेशन तुमको नहीं करने बोले, तुमको बोल दे वहां पर केस बताने के लिए, दो केसेस होता है बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सा, चलो अभी हम लिख रहे हैं, ये हटा रहे हैं हम है ना, और दो जो केसेस होता है उसको लिख रहे हैं अभी हम पहले। चलो पहले हम केस पे आते हैं, पहले केस में हम ये मान के चलेंगे, पहला केस में केस नंबर वन, केस नंबर वन में हम ये मान के चलेंगे द इमेज, द फाइनल इमेज, इमेज नहीं फाइनल इमेज, क्योंकि दो दो इमेज बन रहा है ना, तो हम फाइनल इमेज की बात करेंगे, द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज
The final image is placed at least distance. बस इतना लिखते हैं ना, लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि हम थोड़ा सा रफ यहां पर रेडियोग्राम बनाते हैं। देखो ऐसा था रेडियोग्राम, ये लेंस था एक, एक और बड़ा लेंस था, ठीक। अब फाइनल इमेज को कहां रखी हो, लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, मान लो यहां पर बन रहा है फाइनल इमेज, और ये ऑप्टिकल सेंटर था, यहां पर इसको ऑप्टिकल सेंटर था, तो तुम जब इसको मेजर करने जाओगी, ये इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस जब मेजर करने जाओगी तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाओगी ना, है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाओगी मेजरमेंट के लिए, इस तरफ, तो यानी कि वी को क्या लोगी, माइनस डी लोगी। माइनस डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जा रही हो, और रेस किधर जा रहा था बताओ, ऑब्जेक्ट ऐसे था, रेस ऐसे जा रहा था ना, ऐसे टेढ़ा नहीं जाता है, सॉरी स्ट्रेट जाता है, तो रेस तो ऐसे जा रहा था, और तुमको जब ये v यानी कि इमेज डिस्टेंस मेजर करना था तो ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट जा रही थी, तो यानी कि v को क्या लोगी, माइनस डी, ठीक। तो v का वैल्यू लेगी माइनस डी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका लेंगे हम लोग बताओ, सोच के शिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किसका लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का या इसका आईपीस लेंस का, बताओ सोच के बताओ। एक इमेज यहां, एक इमेज यहां पर, और ये हाँ यहीं तक का, ठीक। एक बात बताओ, फाइनल इमेज कौन बना रहा है, ये जो फाइनल इमेज का बात कर रहे हैं, ये कौन सा लेंस बना रहा है, आईपीस लेंस। और ये जो तुम इमेज डिस्टेंस ली हो, ये वाला, ये किसका ली हो, आईपीस लेंस का। तो ऑब्जेक्ट तो ये ना हुआ भैया, आया समझ में, तो यानी कि जो हम लोग केसेस का बात करेंगे, वो किसके ऊपर हुआ, सिर्फ और सिर्फ आईपीस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आईपीस लेंस के ऊपर ही केसेस बनेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का कोई रोल नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव का एक काम है कि भाई यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज बनाना, और ये इमेज का ही सबसे बड़ा रोल है, इसी को तुमको ऑब्जेक्ट मान के चलना है। और केसेस किसके लिए है, आईपीस के लिए, यानी कि तुम यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगी वो किसका लोगी, आईपीस लेंस का, और ये क्या लोगी, इसको यूई लोगी, ये सही है नहीं, माइनस यूई, क्योंकि इस तरफ जाओगी ना मेजरमेंट के लिए, और रेस तो उस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जाओगी तो माइनस यूई। खुशबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या समझ में, अब यहां से तुम लगाओ भाई फॉर्मूला अपना, खतरनाक जोरदार फॉर्मूला, क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक, ये होता है। अच्छा तुमसे पूछा क्या, क्या निकालने क्या बोला है तुमको, पूछा मैग्निफिकेशन, क्या पूछा तुमसे, मैग्निफिकेशन कब मैग्निफिकेशन, जब इमेज डिस्टेंस कितना हो, माइनस डी। अच्छा एक बात बताओ खुश, ये शिखा, यहां पर जो हमको इमेज दिखेगा, इस केस के हिसाब से इमेज बहुत बड़ा दिखेगा कि इमेज बहुत छोटा दिखेगा, इस केस के हिसाब से इमेज बहुत बड़ा दिखेगा कि बहुत छोटा, बोलो, बड़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस पे है ना, लीस्ट डिस्टेंस पे है, यानी कि इमेज मेरे से बहुत नजदीक है, तो इमेज मेरे से जितना नजदीक होगा उतना बड़ा दिखेगा उसका साइज, समझ में आया, उतना बड़ा दिखेगा इमेज। तो यानी कि इस केस में एक और चीज लिख लो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या लिखोगे इस केस में, एक और चीज लिख लो, यहां पर लिख रहे हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब बहुत बड़ा इमेज, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ए तुम लोग आया जी समझ में, तो यहां से 1/f निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज खुशबू पूछ रहे तुमसे, ये फोकल लेंथ किसका होगा, फोकल लेंथ आईपीस का होगा कि ऑब्जेक्टिव का, बताओ, आईपीस का। अब भैया आईपीस का तो दो दो फोकल लेंथ है, एक यहां पर है नहीं, इस वाले ऑब्जेक्ट के पीछे, तब ना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा। तो एक और फोकस यहां पर है, तो कौन सा फोकल लेंथ लोगी यहां पर, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसी फोकल लेंथ से यहां पर क्या बन रहा है, इमेज, तो यानी कि यहां पर तुम क्या लिखोगी, एफई। और ये एफई कैसा होगा, फोकल लेंथ जो लोगी वो प्लस का होगा एफई, है क्योंकि इस तरफ है ना दोस्त, अरे रेज इस तरफ जा रहा है ना, ध्यान दो, इससे जो रेज निकलता था ऐसे जाता था ना,
ऐसे करके ये ऐसे निकलता था, क्लियर है? तो इस तरफ जा रहा है तो भाई क्या हुआ, पॉजिटिव, तो इसलिए एफ को तुम एफ को क्या लोगी, प्लस एफ, ठीक, प्लस एफ इज इक्वल टू वी, कितना होगा वी, कितना होगा माइनस डी, और ये माइनस यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई यू। दोबारा बताएं खुशबू, दोबारा से एक्सप्लेन करें, कहां पर बोलो, कहां पर दोबारा एक्सप्लेन करें बोलो। हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं ना कि यहां पर लिखा हुआ है फाइनल इमेज, देखो यहां लिखा हुआ है फाइनल इमेज इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस मतलब समझती हो, मतलब जो इमेज है फाइनल इमेज जो बनने वाला है वो लीस्ट डिस्टेंस पे है, जो इमेज है फाइनल वाला वो लीस्ट डिस्टेंस पे है। तो लीस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि मेरे से वो बहुत नजदीक बना है, और अगर इमेज मेरे से बहुत नजदीक बन रहा है तो हमको और बड़ा दिखेगा ना जी, दूर जाएगा तो छोटा ना हो जाएगा। यहां पर तो बोला है कि जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी कि इमेज बहुत बड़ा बन रहा है। आया समझ में क्या बोले? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन दो केस बनेगा ना जी, बड़ा तो दिखेगा लेकिन वो ये वो वाला केस है ना जिसमें बहुत बड़ा दिखेगा, क्योंकि इमेज को हम नजदीक बनाए थोड़ा और थोड़ा सेटिंग उसमें ऐसा कर दिया। क्या सेटिंग की है सर, क्या सेटिंग की है? तो देखो ना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखे, माइनस क्यू, ऑब्जेक्ट को मतलब ऐसे सेट किए कि इमेज एकदम मेरे से नजदीक बनेगा। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्यों लिखे वो समझ में आया, मैक्सिमम क्यों लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, हाईली मैग्निफाइड, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इसको क्या बोलोगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का बड़ा होना, तो जितना ज्यादा नजदीक होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा। नहीं आया समझ में अभी भी नहीं आया क्या खुशबू, नहीं आया क्या अभी भी समझ में? आ गया ठीक। तो यहां से देखो तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी इज इक्वल टू वन बाई यू, ये एक्सप्रेशन आया यू का। अब जरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो खुशबू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो क्या था बोलो, एमओ इंटू एमओ इंटू एमई, ठीक। एमओ कितना होता है, एमओ का मतलब वीओ बाई यूओ। एमई कितना था, एमई कितना था, डी बाई एफई, एफई था कि यूई था, यूई था, यूई यूई होता है। हाँ। क्या कर रही है, तो यहां से फिर इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसका थोड़ा हम मिटा रहे हैं, लो मिटा दिए लो। तो यहां से फिर ये मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, वीओ बाई यूओ, और डी डी को ऐसे ही छोड़ दो दोस्त। ए देखो ए ध्यान से, इसमें सब पगला जाता है, ध्यान से देखना, ये वन बाई यू देख रही हो, वन बाई यू, ये वन बाई यू का वैल्यू कितना है, वन प्लस एफ प्लस वन बाई डी। तो ये वन बाई यू की जगह हम क्या डालेंगे, वन प्लस एफ प्लस वन बाई डी, ठीक। रुको दोस्त बता रहे हैं, नहीं समझी, देखो यहां पर इसको खोलते हैं थोड़ा, दिख रहा है ना इस तरफ पर को, हम चेक करें दो भाई दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, देखो ये देख रही हो डी, इसको ऐसे लिख ले खुशबू, देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, ऐसे नहीं लिख सकती हो, अरे भैया। तो यहां पर वन बाई यू की जगह क्या डाल दी, वन बाई यू की जगह क्या डाल दी, जो तुम निकाली थी ये, तो वन बाई यू की जगह ये डाल दी। अभी आया समझ में, आया? अब ये डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के साथ जाएगा करके अलजेब्रा मैथ्स का, तो वीओ बाई यूओ, तो जब ये डी यहां जाएगा तो क्या मिलेगा, डी बाई एफ ई, और जब ये डी यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, क्योंकि ये डी जब यहां जाएगा तो डी डी कट जाएगा, तो ये मिलेगा मैग्निफिकेशन। ये क्या मिल गया हमको, ये कैसा मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम की मिनिमम, कैसा मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम की मिनिमम बोलो, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम सर, कैसे हम पहचानेंगे कि सर मैक्सिमम है? यहां देखो प्लस वन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस वन। अभी एक ये केस नंबर वन है, अभी हम केस नंबर टू करवाएंगे, केस नंबर टू में क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो वो मिनिमम में देखना यहां पर प्लस वन नहीं होगा, अगले वाले केस में यहां पर प्लस वन नहीं होगा। कोई चीज में कुछ ऐड करती हो तो उसका वैल्यू बढ़ता है ना, तो अगले वाले केस में वो नहीं होगा, प्लस वन मतलब कि नहीं होगा।
हाँ भाई देखो, अब आते हैं हम लोग केस नंबर टू पे। केस नंबर टू में हम लोग इमेज को कहां रखेंगे? केस नंबर टू में हम लोग इमेज को कहां रखेंगे, मतलब कहां बनेगा इमेज? इंफिनिटी पे। इमेज मेरे से बहुत दूर बनेगा, इमेज मेरे से बहुत दूर बनेगा। तो केस नंबर टू, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यहां पर मैग्निफिकेशन यानी कि जो इमेज का बड़ा होने वाला कार्यक्रम है, मैक्सिमम बड़ा होने वाला जो इमेज का कार्यक्रम है वो कम ना हो जाएगा, ज्यादा मैग्निफाई नहीं होगा ना इमेज, छोटू इमेज दिखेगा। तो यानी कि यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यानी कि हम यहां लिख देते हैं मिनिमम, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, बहुत कम मैग्निफिकेशन। क्योंकि देखो इमेज कहां बन रहा है भाई? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे बन रहा है, मतलब बहुत छोटा हो गया ना इमेज, इमेज बहुत छोटा हो गया ना इंफिनिटी पे बनेगा तो कितना छोटा दिखेगा हमको? सोच रही हो मेरे से कितना दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है मेरे से, ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा। तो यानी कि इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्योंकि बहुत मैग्निफिकेशन समझती हो ना कितना बड़ा है कोई चीज, यहाँ पर मिनिमम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन को, मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इमेज बहुत छोटा है। इमेज छोटा क्यों है? क्यों छोटा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इन्फिनिटी। ठीक, खुशबू आ रहा है समझ में? और यू को क्या लोगी? यू को, यू को क्या लोगी? बोलो, सोच के बोलो, ये चीज एक्सप्लेन किए हम, बताओ खुशबू, यू का वैल्यू बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां होगा? ये बड़ा सोचने वाला चीज है, सोच लो। भाई जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कौन है पहले तुम लोग वो नहीं पहचान रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है कौन। जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात करते हैं, हाँ बोलो। नहीं नहीं ये तो लिखे ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये तो लिखे यहाँ पर, ये तो यहाँ पर लिख के इक्वल टू दिए थे ना, तो वही पूछ रहे थे। देखो हाँ बोलो पूछो। ये जो केस नंबर वन है ना, इसको हम लोग दो नाम दिए हैं। केस नंबर वन का हम लोग एक नाम दिए हैं, यहां लिखते हैं ना, ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी लिख के आता है। केस नंबर वन का नाम होता है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और ये जो केस नंबर टू है, केस नंबर टू का नाम होता है रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई, समझ रही हो? अरे ऑब्जेक्ट तुमसे बहुत दूर रहेगा तो तुम आराम से देख पाओगी ना, जिसको आंख एकदम नहीं खींचेगा, जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी 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 इमेज ना, इमेज तुमसे अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रहेगा तब तो तुम उसको आराम से देख पाओगी ना। तो इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? रिलैक्स्ड आई, आराम से देख रही हो, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रिलैक्स्ड आई। और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसमें केस नंबर वन का पता नहीं क्या नाम होता है, केस नंबर वन का ये हम गलत लिखे थे, केस नंबर टू को हम लोग रिलैक्स्ड आई बोलते हैं। लेकिन तो एग्जाम में अगर आया लिख के रिलैक्स्ड आई तो समझ जाना वो किसका बात कर रहा है, केस नंबर टू का। क्योंकि तुम्हारा, तुम खुद सोचो तुम्हारा आंख आराम से कब रहेगा? जब ये मार्कर तुमसे एकदम ऐसे नजदीक रहेगा, ये मार्कर तुमसे दूर रहेगा, बताओ मार्कर को तुम ऐसे देखना चाहोगे या फिर ऐसे आराम से एकदम थोड़ा दूर दूर करके? तो इसीलिए ये केस नंबर टू का नाम एक और होता है रिलैक्स्ड आई। ठीक, तो रिलैक्स्ड आई भी लिख सकता है। तो अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, मतलब यहां पर सॉल्व करके फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ किसका लोगी? आईपीस का कि ऑब्जेक्टिव का? खुशबू फोकल लेंथ किसका लोगी? आईपीस का, आईपीस का, गुड। क्योंकि यहां पर सारा काम किससे हो रहा है? आईपीस लेंथ से ही हो रहा है। तो यानी कि यहां पर लिखोगे 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल और जो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर उसको करेंगे अगले क्लास में। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एब्सेंट मत करना उसको, ठीक है? 1 by f, और v को क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। ये v का वैल्यू क्या डालेंगे? इनफाइनाइट माइनस। u का वैल्यू क्या डालेंगे? u का वैल्यू क्या डालेंगे? यू ई, और यहां प्लस हो जाएगा। अरे भैया u का वैल्यू माइनस यू ई, या माइनस यू डाले तो ये प्लस हो गया। ठीक, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज
जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, तो यहां पर आ जाएगा वन बाई एफ ई इज इक्वल्स टू वन बाई यू ई, आया ठीक। अब आओ मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन पे, चलो तुम हमको बताओ ये क्या नाम है नीतू, मैग्निफिकेशन कितना होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डराइव किए थे हम लोग, कितना होता है एमओ इंटू एम ई, निकाले थे ना जी तो एमओ क्या लिखते थे वीओ बाई यू इंटू एम ई, एम ई डी बाई यू ई, ठीक चलो ये सब हम रिलैक्स भाई सब हटा रहे हैं, डी बाई यू ई ये लिखते थे ठीक है भाई। अब यहां से एम कितना आएगा, एम कितना आएगा वीओ बाई यू ओ डी बाई यू ई, इस बार देखो फिर वही मल्टीप्लाई, इस यू ई को ऐसे मल्टीप्लाई करके वन बाई यू ई लिख लो, और वन बाई यू को किसके बराबर लेके आए हैं, वन बाई यू को किसके बराबर लेके आए हैं वन बाई एफ, हाँ बोलो पूछो। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, हाँ ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, इधर चल जाएगा थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट एडजस्ट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है मतलब वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, सही बोल रही थी तुम, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट भी होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। देखो पहले इन दोनों के बीच में रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग, मतलब देखो यहाँ पर जो कहानी है वो चेंज हो रहा है ना, हमको इमेज कहाँ पर दिख रहा है, इमेज कहाँ दिख रहा है इन्फिनिटी पे दिख रहा है, तो यानी कि ये केस भी बदलना चाहिए ना, जब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं फोकस पे तब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है ठीक। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली अगर तुम समझो तो एग्जैक्टली ये फोकस पे नहीं रखाता है, थोड़ा सा फोकस से इस तरफ होता है, थोड़ा सा फोकस से इस तरफ आता है ठीक, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के एकदम बीच में नहीं रहता, थोड़ा सा देखो अभी यहां पर भी जब बना रहे हैं तो इस तरफ बन रहा है डायग्राम, हाँ लेकिन देखो यहां से क्लियरली मैथमेटिकली आ रहा है कि फोकस पे ही रखते हैं हम लोग उसको, लेकिन एक्चुअल कमाल किसका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो यहां पर कहानी देखो बदला, यूई आ गया, यूई आ गया एफई के बराबर, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफई होगा ठीक। तो अगर तुम यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफई लोगी माइनस एफ ई लेके अगर करती, देखो ये शिखा देख रही हो, अगर यहां पर माइनस एफ ई लेके करोगी पहले से ही है ना, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ई आ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना समझी, तो पहले तुम इसको यू माइनस यू ई लेके करना तब एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये एक्सप्रेशन आया VO by UO is equals to into D by FE. अब चेक करो तो मैग्निफिकेशन मिनिमम हुआ है, देखो मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, VO by UO VO by UO into D by FE plus one, ये किसके लिए था मैक्सिमम वाले के लिए, और ये किसके लिए हुआ मिनिमम वाले के लिए, यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आया मेरा, यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आया मिनिमम, मिनिमम, और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम समझ में आया तुमको खुशबू, मैक्सिमम और मिनिमम क्या सोच के बोल रहे हैं कि नहीं आया अभी भी, देखो यहां पर प्लस वन हो रहा है ना, प्लस वन हो रहा है इसलिए मैक्सिमम, और यहां पर प्लस वन देखो नहीं आ रहा है इसलिए मिनिमम, यानी कि इस केस में, इस वाले केस में कौन सा, केस नंबर टू में इमेज हमको छोटा दिखेगा और केस नंबर वन में इमेज हमको बड़ा दिखेगा क्योंकि वो मेरे से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे है ठीक। तो ये दो केसेस होता है कंपाउंड के ऊपर, अब हम लोग अगले क्लास में उसके ऊपर न्यूमेरिकल और जो बोर्ड में घुमा फिरा के जो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर उसको करेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग किस पे आएंगे टेलीस्कोप पे, और टेलीस्कोप करने के बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है ना, इसी से एकदम पक्का एकदम 100% आएगा क्वेश्चन 100%, और अगर अच्छा से उसको नहीं करोगे थोड़ा डिटेल में तो फिर दिक्कत हो सकता है, एक आध मार्क्स कटने का चांस हो सकता है क्योंकि रे डायग्राम तो आता ही बनाने, लेकिन और भी कुछ पूछता है उसमें जोड़ करके, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे ठीक है, ओके बाय।